हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजी फूड सफारी। सो गाइस, उपवास यानी व्रत की सीरीज में मैं आज आपके साथ रेसिपी जो लेके आई हूँ वो है पीनट्स एंड साबूदाना खिचड़ी। तो गाइस, आप खिचड़ी तो बहुत खाते हैं साबूदाना की, एक बार इस पीनट साबूदाना खिचड़ी को बना के खा के ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। तो रेसिपी को स्किप मत करें, पूरा देखें। और गाइज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि चैनल से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलते रहें। तो चलिए हम इस पीनट साबूदाना खिचड़ी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम साबूदाना रेडी करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप साबूदाना लिया हुआ है, इसमें हम पानी ऐड करेंगे और 10 मिनट के लिए इसे कवर करके हम छोड़ देंगे। तो 10 मिनट बाद आप देखोगे कि ये साबूदाना का जितना भी स्टार्च है ना वो सारा अलग हो जाएगा। आप हाथ से ऐसे रब करेंगे तो सारा स्टार्च जो है वो निकल जाएगा। और अब इसे आपको 2-3 पानी में अच्छे से साफ कर लेना है। साफ करने के बाद आप क्या करोगे, इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करोगे, मतलब साबूदाना सिर्फ उसमें डिप होना चाहिए, ज़्यादा उसमें पानी नहीं ऐड करना है। तो इसके बाद अब इस साबूदाना को फिर से कवर करके अब हम 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो 2 घंटे बाद आप देखोगे ना, साबूदाने ने सारा जो पानी है वो अब्सॉर्ब कर लिया है, साबूदाना अच्छे से फूल गए हुए हैं, ये बनाने के लिए रेडी है। तो इसी के साथ हम और जो सारी चीज़ें लेंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो सेकंड जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है पीनट्स यानी मूंगफली के दाने। तो यहाँ पे मैंने मूँगफली के दाने 1 बाउल लिया हुआ है, मतलब आप जितना साबूदाना लेंगे उससे ज़्यादा मूँगफली आप। तो इन सारी चीज़ों को अभी हम रेडी कर लेते हैं। तो धनिया, नींबू, अदरक, हरी मिर्च, उबले हुए आलू, टमाटर, नमक, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ली हुई हैं इसको बनाने के लिए। तो सबसे पहले इन्हें हम रेडी कर लेते हैं। तो सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे रेडी कर लिया है। जो मूंगफली थी, सबसे पहले आप उनको फ्राई कर लें। फ्राई करने के बाद आप इनका एक पाउडर बना लें दरदरा सा। तो सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। तो गाइज, यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ करी पत्ता। अगर आप करी पत्ता व्रत में खाते हैं तो ऐड कर लें, अदरवाइज आप करी पत्ता स्किप कर सकते हो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस साबूदाना पीनट्स की खिचड़ी को। तो पैन में हम ऐड करेंगे घी, और जैसे ही घी हमारा जो है वो अच्छे से हॉट हो जाएगा, हम इसमें ऐड कर देंगे जीरा, अदरक चॉप की हुई, हरी मिर्च, करी पत्ता, और इन सारी चीज़ों को हम तब तक सॉटे करेंगे जब तक कि इनका हल्का सा कलर चेंज नहीं होता, मतलब 10 से 12 सेकंड लगेंगे आपको ये करने में। तो जैसे ही ये हमारे फ्राई हो जाएंगी सारी चीज़ें, हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, और टमाटर को भी अब हमें गलाना है, ज़्यादा नहीं गलाना, हल्का सा खड़ा रखना है। तो 10 सेकेंड के लिए हम इसे कवर कर देंगे, और कवर करने के बाद देखेंगे टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे उबले हुए आलू। आलू ऐड करने के बाद आप इसे मिक्स करें, और अब आलूओं को आपको 1 मिनट के लिए प्रॉपर खुले में ही ऐसे ही फ्राई करना है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च पाउडर, दोबारा से मिला के हम इसे फिर से 10 सेकंड के लिए इसे फ्राई करेंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे साबूदाना, मूंगफली का पाउडर जिसे हमने रोस्ट करके दरदरा पीस लिया हुआ है, नींबू का रस, और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हम इसको ओपन ही कुक करेंगे। तो इस टाइम पे जो गैस का फ्लेम जो है वो आपको हाई रखना है, मीडियम या लो नहीं रखना है, हाई फ्लेम पे यहाँ पे आपको इस खिचड़ी को बनाना है। एंड में हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। तो जब तक कि हमारे साबूदाना जो है वाइट से ट्रांसपेरेंट कलर में नहीं हो जाते, तब तक आपको इस खिचड़ी को कुक करना है। हाई फ्लेम पे कुक करेंगे, जल्दी हो जाएगा, ना ही ज्यादा ये चिपकेगा। बहुत ही ज्यादा टेस्टी सी ये व्रत में खाई जाने वाली रेसिपी है, आप इसे जरूर ट्राई करें एक बार अपने किचन में। एंड में हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पत्ती, और धनिया पत्ती ऐड करने के बाद दोबारा से हम 1 मिनट के लिए इसे फ्राई कर लेंगे। तो अभी आप देख सकते हो जो साबूदाना के जो दाने हैं वो सारे ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं, यानी ये हमारी जो
खिचड़ी है ये बनके रेडी हो चुकी है। तो गाइस आप भी इस सिंपल सी पीनट साबुदाना खिचड़ी को अपने किचन में तैयार करें, नवरात्रों में या किसी और व्रत में अगर आप खाते हैं तो आप इसे बनाएं जरूर। अब हम इसे बाउल में सर्व कर लेंगे और अपने अकॉर्डिंग आप दही के साथ या चटनी के साथ इसे खा सकते हैं। तो गाइस अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। ऑलवेज मेड फ्रेश, ईट हेल्दी। थैंक्स फॉर द वॉचिंग AJ फूड सफारी।